गाइज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक टीम्स। तो आज तीन मैच ऐड हुए थे जो कि तीनों मैच एनालाइज हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक जो पहला मैच है विगान वर्सेस फ्लीटवुड के बीच, ये मैच इतना अच्छा नहीं है। मतलब मैं कहूं कि इस मैच में ये करो वो करो, इस मैच में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये मैच थोड़ा रिस्की है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन दोनों साइड का एकदम बराबर है, और जब बराबरी का मैच हो तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। और नीचे टीम्स की बात करूँ, ये दोनों मैचेस थोड़े से अच्छे हैं, और मेरे को ये वाला मैच तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है। मतलब गिलिंगम वाला मैच तो अमेजिंग है, 12:15 वाला, 12 बजे वाला मैच मीडियम है, और ये वाला मैच थोड़ा लेस इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। और गाइस आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को प्राइम के रिगार्डिंग, तो अभी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा, ना ही मैंने कल से किसी का मतलब मैंने जोड़ा भी नहीं, कहीं स्क्रीनशॉट पे आया। तो टेंशन मत लो भाई, जुड़ जाओगे आज आप रात तक 11 बजे तक आप ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। मतलब जिन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दिया ना, वो टेंशन ना लें, वो 11 बजे से पहले ऐड हो जाएंगे, वो तीनों मैच खेलेंगे आराम से। बस ये कह दूँ, अभी थोड़ा रिप्लाई इसलिए नहीं दे पा रहा ड्यू टू थोड़ा मतलब अपना मैच एनालाइजमेंट के कारण। सेकेंड थिंग भाई, ऐड मेरे को करना होता है इसलिए मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, और ये मैचेस की जैसी वीडियो बन जाएगी आप सारे ऐड हो जाओगे, तो घबराओ मत। कोई ऐसा आपके साथ कोई स्कैम वैम नहीं हुआ है, डरने की बात नहीं, आप मेरे साथ हो तो आपको अभी ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर स्ट्राइकिंग की, देखिए सबसे पहले बात करें मैरियट की, तो फ्लीटवुड टीम का जैक मैरियट कंसिस्टेंसी में खेल रहा है। 5 सितंबर को नहीं खेला था ना, उसके बाद से रेगुलर खेला है, उसके बाद से मैं लाइक मैक्सिमम जितने भी गोल्स हुए हैं उसके अंदर एक जो नाम होता है ना टॉप पे, उसका नाम है, तो मैं इसको लूँगा। और स्टॉकले की बात करें, देखिए यार स्टॉकले भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला प्लेयर है, और आर ग्रेडन भी। अब क्या है, इनमें से एक छाटना सबसे बड़ी एक दिक्कत है। चक्कर क्या है, मैं ऑपोजिशन टीम की अगर बात करूँ तो सी वाइक को मैं लूँगा, ठीक है। अंदर से तो मैं हम्फ्राइज़ को भी लेने लगा था, लेकिन मेरा अभी स्टीफन हम्फ्राइज़ की तरफ ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इन तीनों में से अगर दो खेलेंगे तो मैं उन दो के साथ जाऊंगा, फिर भले ही भाई साहब नीचे स्टॉकली खेले ग्रेडन खेले, मुझे मतलब नहीं। उसके बाद अगर मान लीजिए हम्फ्राइज़ नहीं खेलता, लैंग और मैगनिस खेलता, फिर मैं लैंग को लूँगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन है, ये तीन स्ट्राइकर यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। ऐसा मेरा होता ना कि मैं जितने मर्जी स्ट्राइकर उठा सकता होता तो शायद जितने स्ट्राइकर आज खेलते मैं उनको लेता, बट ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ये अनप्रेडिक्टेबल वाली बात है, इसलिए मैं सिर्फ इसको लूँगा। बात करें मिडफील्डिंग, यहाँ पे लेंगे वेला को। जे वेला इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर देगा वो कर देगा, नॉर्मल है भाई साहब, नॉर्मल खेलता है। आगे पर बात करें तो यहाँ पर है जूनियर क्विटेरना, एक नॉर्मल खिलाड़ी है बट इन दिनों फॉर्म में है, इसलिए अभी तो मैं नॉर्मल नहीं कहूँगा इस खिलाड़ी को, अभी तो अच्छा प्रदर्शन दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगले प्लेयर की बात करें, टी एसगार्ड को लेंगे। टी एसगार्ड के बाद एम स्मिथ, पिछले मैच में हैट्रिक, अमेजिंग मैच गाइस, मतलब फ्रॉम एम स्मिथ, क्या परफॉर्मेंस थी भाई इस बंदे की पिछले मैच में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक मिडफील्डर खेल रहा है, एक्चुअली फॉर्मेशन में भी स्ट्राइकिंग कर रहा था, तो ऐसा खेला कि स्ट्राइकर भी फीके बढ़ गए सामने वाली टीम के और इनकी खुद की टीम के, तो स्मिथ इज स्मिथ गाइस। आगे से अगर बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, तो डिफेंडिंग के अंदर देखिए आपको मैं पहले नीचे लेके चलता, तो रूने को आपने ज़रूर लेना है, ये एक मेन प्लेयर है, वरना मैं आपको बोलता ना, लेकिन सिलेक्शन कम है तो मैंने ज़बरदस्ती दिलवा रहा हूँ। और अगले प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पर ना मैं लूँगा हॉलगेट को, एक्चुअली मैं हॉलगेट को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने नसियाला को नहीं लेना, और एक प्लेयर जो मेरा होगा वो मैं शायद ऑपोजिशन टीम का लूँगा, सी हगिस, ठीक है। और गोलकीपिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप लिंच के साथ भी जा सकते हो, आप यहाँ पर एस्टिकल के साथ भी जा सकते हो, आई एम गोइंग विद एस्टिकल। आगे से बात करें कप्तान की, देखिए मेरा जो कप्तान है वो होने वाला है गाइस, यहाँ से मैं क्लियरली अगर आपको बताऊँ तो मेरा कप्तान होने वाला है मैरियट, ठीक है। मैं क्लियर है, कोई इसमें ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, ना कोई आपको झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। और वाइस कप्तान की अगर बात करें तो वाइक रहने वाला है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन मैं गया इस कॉम्बिनेशन के साथ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं चेंज लगभग नहीं होने दूंगा। बस मेरे को एक जो दिक्कत खल रही है वो है सी लैंग, अगर सी लैंग नहीं खेला तो हमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, एक रिस्क लेने का, और अच्छा रिस्क लेने का, क्योंकि सी लैंग के साथ जाना कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सी लैंग एक चला हुआ प्लेयर है, सब उसके बारे में जानते हैं, सब उसके पुराने रिकॉर्ड्स जानते हैं, जो एक अच्छा प्रेडिक्टर होगा वो प्लेयर देख के बता देगा कि ये क्या कर सकता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड उनको पता होगा। लेकिन जैसे कि अब सी लैंग के बारे में हमें पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सामने वाले को पता हो, तो अगर सी लैंग नहीं खेलेगा तो मेरे को एक अच्छा है, मेरी टीम के लिए मेरे को अच्छा है, मैं अपना कोई रिस्की प्लेयर और उठा पाऊंगा, तो ये लास्ट में डिसाइड होगा कि मैं क्या करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।